कैसे हैं आप? होप इंग्लिश फाइन। वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो जिसका था इंतजार वो डीजीआई ने करके दिखा दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि लीक आई है कि डीजीआई एफपीवी ड्रोन लॉन्च करने वाला है, और कल परसों मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसपे लॉन्च हो चुका है। और क्या है इस ड्रोन की खासियत और किसके लिए बना है ड्रोन और क्या डिफरेंस है, जिसको नहीं पता लग रहा है एफपीवी और डीजीआई के नॉर्मल ड्रोन में क्या फर्क है, तो सारा मैं इसमें बताने वाला हूँ। और सबसे पहले बता दूं, मुझे ये ड्रोन चाहिए और डेफिनेटली आपको इस चैनल पे इस ड्रोन की फुटेज, इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग, एवरीथिंग देखने को मिलेगी जैसे इंडिया में अवेलेबल होता है। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दिस ऑन दिस चैनल, क्योंकि मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार बहुत पहले से कर रहा था कि मुझे भी एफपीवी ड्रोन चाहिए था, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स रेडी टू फ्लाई, जो कि डीजीआई ने करके दिखाया। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और कहा कितने रुपए तक मिलेगा, कब तक मिलेगा, थोड़ा बहुत आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको बता रहा हूं कि डीजीआई एफपी ड्रोन क्या है, जिसको नहीं मालूम एक लाइन बताता हूं। एफपी होता है फर्स्ट पर्सन व्यू, मतलब कि आपको इसमें जैसे हमारे दूसरे ड्रोन होते हैं सिंपल वाले, स्क्रीन पे हमें दिखता है और थोड़ा हम देखते हैं और उड़ाते हैं, वो चीज नहीं है। इसमें आपको स्क्रीन में कोई फुटेज नहीं दिखने वाली। इसमें आप एक डीजीआई गॉगल्स पहनते हैं, वो जब पहनेंगे तो आपको जो ड्रोन के ऊपर कैमरा लगा हुआ है उसका व्यू दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि आप उस ड्रोन के अंदर बैठ गए। ठीक है, अब जैसे ड्रोन आप उड़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उस ड्रोन के पायलट हैं और उसके अंदर बैठे हुए हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको उड़ाना है। और ये ड्रोन मतलब जो ओरिजिनल एफ यू ड्रोन है, इससे पहले वाले जो खुद असेंबल करने पड़ते हैं एंड ऑल दैट, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, वो काफ़ी मुश्किल होते हैं उड़ाने। और ये चीज़ जो है डीजीआई की तरफ से काफ़ी क्वालिटी में अच्छी है और एज कम्पेयर टू दोज काफ़ी ईजी है। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बता दें कि इसको उड़ाने में और डीजीआई एफ यू को उड़ाने में और डीजीआई के आम ड्रोन को उड़ाने में, फैंटम या मैविक 2 प्रो में बहुत फ़र्क है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो इसीलिए DJI जब आप ये ड्रोन खरीदेंगे तो एक आपको उसमें सिमुलेटर ऐप मिलेगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं असली ड्रोन को उड़ाने से पहले। उसमें आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, गॉगल्स आपने डाले, स्क्रीन के साथ वो अटैच सॉफ्टवेयर के साथ अटैच हो जाएगा, और फिर आप उसको स्क्रीन के थ्रू उड़ाएंगे। और मतलब अगर आप कुछ गलतियां करते हैं और आपका एक दिमाग थोड़ा ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि कैसे उड़ाना है, क्योंकि आपने सीधा उसको ट्राई किया तो डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। थोड़ा फर्क है इसको उड़ाने में, और क्या क्या फर्क है, सबसे पहले तो बताऊं स्पीड, पावर इसमें बहुत ज्यादा है। आम ड्रोन के मुकाबले में ये 2 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है, और ये एफपीवी में चाहिए। क्योंकि अब क्या फर्क है, मोटा मोटा जैसे होता है ना, एक गाड़ी है आपने ली, एक आपने फिरारी ले ली, फिरारी में और एक तरफ आपने कोई गाड़ी ली, फर्क है ना। फिरारी कैसे जूम, तो ये फिरारी है ड्रोन की। एफपीवी ड्रोन फिरारी ड्रोन माने जाते हैं, बहुत स्पीड है इनमें, बहुत पावर है और बहुत क्रिएटिविटी आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इन्होंने नया डाला है, सबसे पहले तो ये फॉर्म जो डिजाइन ही है वो बहुत बढ़िया है, काफी स्ट्रेटेड डिजाइन बनाया, क्योंकि जो एफपीवी ड्रोन होते हैं काफी प्रोन होते हैं गिरने के, क्योंकि जब आप खुद उड़ा रहे हैं तो उसमें आपको बेसिकली क्रैश हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन काफी स्ट्रेटेड डिजाइन है ताकि आपके कैमरा और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंसर्स लगा के दिए डीजीआई ने ताकि थोड़ा आप सेंसर से उसको सेफ्टी से उड़ा सकें। नंबर 3, ऑक्यूसिंक 3 इसमें डाल दिया ताकि कनेक्टिविटी का कोई इशू ना हो। 10 किलोमीटर तक वो क्लेम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है। ऑक्यूसिंक वैसे ही बहुत अच्छा है तो आपको ऑक्यूसिंक कनेक्टिविटी मिलेगी, कनेक्टिविटी में नो इश्यूज। नंबर 4, इसमें आपको स्पीड बहुत अच्छी मिल रही है। स्पीड आपकी मतलब 200 किलोमीटर ये मतलब 100 किलोमीटर 2 सेकंड में अटेन कर लेता, तो मतलब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद इसमें आपको एक एडिशनल रिमोट मिल रहा है जो कि बिल्कुल पायलट की तरह आप आपके हैंड गेस्चर से आप इसको उड़ा पाएंगे, और वो मेरे को लग रहा है एडिशनल कॉस्ट में आएगा। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के एंड तक आपको पता लगेगा कि पैकेज में आएगा कि आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से आप पहले नॉर्मल जो रिमोट आ रहा है उसी पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बार मेन चीज पे आप करें ना जो बेसिक है, उसके बाद वो नई चीजों पे ट्राई करें। तो मेरे हिसाब से आप जो रिमोट पैकेज में आता है उसी से आप उसको ट्राई करें। और इसके बाद इसमें सेंसर्स आपको मिल रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत आप सेफ्टी कर सकें। और सबसे बड़ा फीचर जो कि एफपीवी ड्रोन जो पहले हम बनाते हैं और उड़ाते हैं उनमें नहीं था, कि फ्लाइट के दौरान अगर आप थक जाता है आपका दिमाग, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है ये, ठीक है,
और आप उड़ रहे हैं या कहीं पैनिक कर जाते हैं या कुछ हो जाता है कि मेरा दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा, तो फटाफट उसमें एक ऑप्शन है, साथ में ट्रिगर बटन है, उसको आप दबाएं तो ये वहीं पर स्टेबल हो जाएगा आपका ड्रोन, FPV मोड से हट जाएगा और बहुत आम ड्रोन की तरह धीरे धीरे उड़ता हुआ आप उसको हॉवर कराते हुए वापस ला सकते हैं। तो मतलब ये इसीलिए डाला गया कि जैसे पायलट जब ये नया ड्रोन आते हैं तो पैनिक करते हैं, क्योंकि काफ़ी सिचुएशन होती है आपको खुद लगता है कि आप उस ड्रोन के अंदर है और एकदम नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, तो फुल फ्रीडम है इसके अंदर क्रिएटिविटी के लिए। तो उस चक्कर में कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि दिमाग एकदम सुन हो जाता है, तो उस केस में आपने क्या करना है, वो बटन दबा देना, तो फिर वो नॉर्मल ड्रोन बन जाएगा, हवा में वहीं पे खड़ा हो जाएगा, फिर आराम से उसको रिटर्न टू होम कर सकते हैं आप। इसे बढ़िया क्या चाहिए। और सबसे बड़ा फीचर बैटरी, FPV ड्रोन्स की नॉर्मल बैटरी जो फ्लाइट टाइम होता है 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, जितना पावरफुल से पावरफुल आप ड्रोन ले लें। और हमारा जो ब्रेन भी है ना, वो भी इस तरह से प्रोग्राम रहता है कि इतनी फास्ट जो एक्टिविटी है वो आप नहीं कर सकते हैं, एक बड़ा प्लानिंग से चलना पड़ता है, 3-4 मिनट से ज़्यादा आप ऐसे तरह के उलट बाजी वगैरह नहीं कर सकते। तो उसी लिए इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, 20 मिनट का टाइम, 20 मिनट का अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो 17-18 मिनट का आराम से आपको मिलेगा। और उसमें भी आपने क्या करना है, जो FPV वाली फुटेज है वो आपने 2-3 मिनट से लगातार उससे ज़्यादा नहीं उड़ानी, वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है और आपकी ड्रोन की लाइफ के लिए भी अच्छा है। बीच में आप जब थक जाते हैं तो वो ट्रिगर दबाएं और नॉर्मल मोड में आ जाएं, और फिर जब आपका ब्रेन रिफ्रेश हो जाए और फिर से आप, और अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और ही है कि आप 6 मिनट लगातार FPV चला सकते हैं तो वो इट्स योर स्टेमिना, वो कोई नहीं बदल सकता। बट आइडली फॉर द नॉर्मल पीपल इन्होंने वो चीज़ की है कि आप 3-4 मिनट, 2-3 मिनट की फुटेज के बाद नॉर्मल मोड में उड़ाएं और फिर से उसको चलाएं, तो आपके पास इनफ टाइम है अच्छी फुटेज कलेक्ट करने का। अब लास्ट थिंग, ये किसके लिए है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी वेडिंग जो वीडियोग्राफर्स हैं वो ड्रोन यूज करते हैं फॉर द सिनेमेटिक फुटेज, काफ़ी फिल्म मेकर्स हैं, काफ़ी व्लॉगर्स हैं जो ड्रोन शॉट्स लेते हैं फॉर देयर व्लॉग्स और सिनेमेटिक लुक के लिए, तो ये उस चीज के लिए नहीं है। क्लियर बता रहा हूँ कि ये किसके लिए है, ये जो फिरारी चलाना चाहते हैं ड्रोन्स के अंदर, हाईली क्रिएटिव कंटेंट बनाना चाहते हैं ड्रोन फुटेज में, जो कि फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस चीज में जाते हैं तो डेफिनेटली, चाहे आपके पास चैनल है, चाहे आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई आप सिनेमेटिक क्रिएटिव फुटेज उसमें माहिर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा स्कोप है ऐसी फुटेज का वीडियो के मामले में, अगर आप ये इसको करना सीख जाएं तो, क्योंकि ये जो फुटेज देता है FPV ड्रोन, वो DJI के दूसरे मैविक 2, मैविक प्रो ये ड्रोन्स कतई नहीं दे सकते, और रेजोल्यूशन 4K 60 तक आपको दे रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। तो अगर आप में क्रिएटिवनेस है और आप ये कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं, जैसे मुझे भी पसंद है नई चीजें करना, तो मैं चाहता हूँ दिल से कि ये ड्रोन जल्द से जल्द मेरे हाथों में आए, और मैं आपको, वैसे तो इंडिया में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, फिर भी हम ओपन जगह में जा पे कुछ ना कुछ क्रिएटिव इसके साथ कर सकते हैं बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। तो ये उन्हीं के लिए, हाईली क्रिएटिव माइंड्स जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, वो भी ड्रोन फुटेज के अंदर, उनके लिए बनाया गया। और जो पावर पसंद करते हैं, बहुत पावर है इसके अंदर, जूम करके मतलब ये निकलता है, तो मेरे हिसाब से पर्सनल मैं बोलूँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन्स प्रोड्यूस्ड बाई DJI। तो डेफिनेटली अब इसका बेसिकली जो वेट है 295 ग्राम्स है, तो कतई भी ये माइक्रो मतलब नैनो कैटेगरी में नहीं आता, माइक्रो कैटेगरी में इसका बेसिकली फॉल करता है। एंड गॉगल्स आपको इसका मिलेंगे, एंड SD कार्ड 256 तक आप इसमें डाल सकते हैं, एंड बैटरी मैंने आपको बता दिया 20 मिनट की क्लेम कर रहे हैं ये, एंड दैट्स इट। और काफ़ी कुछ आपको इसमें मिलने, जो प्राइस की बात करते हैं, आप प्राइस अगर मान के चलें तो ये बेसिकली $1300 इन्होंने इसका प्राइस फिक्स किया हुआ है, $1300, जिसके अंदर आपको बेसिकली ड्रोन मिलेगा एंड गॉगल्स मिलेंगे और रिमोट मिलेगा, तो ये तीनों चीज़ें आपको उसमें मिलेंगे और उसका चार्जर मिलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप एक्सेसरीज में जो चीज़ें मैंने DJI मोशन कंट्रोलर डाला है वो अगर डालेंगे तो वो $200 का है, SD कार्ड, ये तो सब बात की चीज़ें हैं, उसमें अगर एक्स्ट्रा जैसे फ्लाई मोर कॉम्बो लगाते हैं तो उसमें $300 और लग जाएंगे, तो बैटरी $160 की है, इसकी बैटरी भी थोड़ी बड़ी है FPV की, तो इसी तरह से आपको है अलग अलग जैसे आपका चॉइस है। तो मेरे हिसाब से आप सिंगल फर्स्ट कैटेगरी वाला उठाएंगे, क्योंकि 20 मिनट में आपको बहुत टाइम है इसमें, FPV ड्रोन में 20 मिनट का बैटरी का टाइम मोर देन इनफ, तो कोई एक्स्ट्रा बैटरी लेने की जरूरत नहीं है।
मोशन कंट्रोलर आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप कुछ ईज करना चाहते हैं बाद में, जहाज की तरह पूरा उसका फीलिंग लेना चाहते हैं, बट वो भी एक एक्स्ट्रा चीज है अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि अदरवाइज जो पर्पज है आपका जो असली फुटेज का जो कंट्रोल है ना वो इन्हीं तरह के मोशन में है, उसमें थोड़ा आपको बड़ा नया सा लगेगा, तो मेरे हिसाब से उसमें मत जाए सिर्फ व्हील। अब इंडिया में आने के आसार इसके हैं, अभी चल रहा है मार्च, आने वाले एक दो महीने के अंदर अंदर अगर कोई फ्लाइट्स का प्रॉब्लम नहीं होता है तो डेफिनेटली इंडिया में एफपीवी ड्रोन मिलना लग जाएगा, बट मेरे फ्रेंड्स ये बहुत महंगा मिलेगा, अभी आई थिंक 2 लाख को भी टच कर सकता है, बट थोड़ा वेट करें क्योंकि बाहर ही 95,000 के आसपास इसका बन रहा है, ऑलमोस्ट 1 लाख का तो ये बाहर ही है, तो इंडिया में आते आते जैसे सिनेरियो है तो मैं 2 लाख टच करेंगे लोग, तब बट मैं ट्राई मैं आते आते 1.5 लाख तक या 1.60 और फिर आगे आगे 1.20 तक भी शायद मिल जाए, तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने व्यूज जरूर बताएं कि आप एफपीवी ड्रोन वाले, मतलब ये आपके लिए ड्रोन है या नहीं, आर यू क्रिएटिव, आप क्या क्रिएटिव किस तरह के फोटो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और अपना व्यूज़ बताएं इस ड्रोन के बारे में। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें एंड कीप रॉकिंग।